डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद काकाणी आज आपको यूट्यूब आईटीआई एकेडमी चैनल पर आइसोमेट्रिक की फोर्थ प्रॉब्लम में आपको समझाऊंगा, जो कि आपकी ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट यानी कि अपने एनसीईआरटी जो एग्जाम है अगस्त 2016 वन ईयर ट्रेड के अंदर, जो इंजीनियरिंग ट्रेड वन ईयर ट्रेड थी उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 आया था। उस प्रॉब्लम को अपन देखेंगे और इसको मैं आपको आइसोमेट्रिक कैसे बनाएंगे ऑर्थोग्राफिक से। क्वेश्चन आया था आपके, ड्रो आइसोमेट्रिक व्यू फ्रॉम द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक व्यू। ये क्वेश्चन में थोड़ा गलत दिख रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन बना हुआ है ये फर्स्ट एंगल में नहीं है, ये जो अपन देखते हैं कि दो व्यू बने हुए हैं, इसका मतलब है कि ये एलिवेशन है और ये साइड व्यू है, तो ये किस में बना हुआ है? थर्ड एंगल में बना हुआ है। थर्ड एंगल में क्यों बना हुआ है? क्योंकि प्लान ऊपर आ रहा है, एलिवेशन नीचे आ रहा है, तो क्या हो गया? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन हो गया। तो क्वेश्चन में कहीं लिखने में मिस्टेक रह गया है, क्वेश्चन जो लिखा गया है उसमें गलती है, आप उसको सुधारते हुए कि भाई ये थर्ड एंगल में बना हुआ है और उसको अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन क्या है? आइसोमेट्रिक बनाना है बस, अपने को इसका आइसोमेट्रिक आपको डेवलप करना है। इसके साथ ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को आप जो है ऑल पे करके रखें, ताकि जो भी मेरे जो वीडियो आपको आए उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और आप उसको देख सकें और एग्जाम में ड्राइंग के एग्जाम में आप सफलता प्राप्त कर सके। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक बनाना है। जब ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाना हो तो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले उसका साइज लेते हैं कि जो ये साइज है उस साइज का अपन बॉक्स बनाएंगे, और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये अपने किस में बनी हुई है। यहां पर ये अपने बताया कि फर्स्ट एंगल में बना हुआ है, जो कि गलत है। ये किस में बना हुआ है? थर्ड एंगल में बना हुआ है। थर्ड एंगल में बना हुआ है तो थर्ड एंगल में क्या होता है, जिधर से देखते हैं उधर ही बनता है। इसका मतलब अपने जो साइड व्यू इसमें बन रहा है राइट में, तो राइट में ही साइड व्यू की लाइन आएगी। इसका मैं अगर साइज निकालता हूं, अगर अपने सबसे पहला काम होता है अपना इसका साइज लेना, साइज निकालता हूं तो इसका साइज क्या निकलता है कि लंबाई कितना है इसका फ्रंट में 20, चौड़ाई इसका साइड में आ रहा है 12 और ऊंचाई इसका आ रहा है 12, यानी कि एक क्यूबॉइड इसकी लंबाई 20 है, चौड़ाई 20 है, 12 है, ऊंचाई 12 है, ऐसा क्यूबॉइड में बना लू और उस क्यूबॉइड के अंदर ये आपका मैं इसको सेट करूंगा, तो जो चीज आपको दिख रही है वो क्यूबॉइड के अंदर आपके अंदर आ जाएगी। तो मैं क्यूबॉइड ड्रॉ करता हूं। सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू में अगर क्यूबॉइड ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, रेफरेंस प्लेन के साथ में 30 डिग्री राइट और लेफ्ट, अब इसमें अभी अपन देखा था कि ये वास्तव में बनी हुई किसके अंदर, थर्ड एंगल में। तो थर्ड एंगल में जिधर से देखते हैं साइड व्यू को उधर ही बनाते हैं, तो आपका 12 किधर का आएगा, जो लंबाई और चौड़ाई में एक साइड 20 आएगा एक साइड 12 आएगा, तो 12 इस साइड में लेना है और 20 इस साइड में लेना है। हाइट कितना है इसका, 12 mm, एक क्यूबॉइड आपने बना लिया। क्या बनाया? क्यूबॉइड, जिसका ये राइट वाला जो साइड है 12 mm है और लेफ्ट वाला साइड आपका 20 mm है, क्योंकि साइड व्यू आपका राइट में बन रहा है और थर्ड एंगल में आपका क्वेश्चन में गलत है, थर्ड एंगल में आपका साइड व्यू जैसे देखते हैं उधर ही बनता है। अब इसके अंदर अपने जैसे बताया हुआ है मैंने ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक बनाना है, तो सबसे पहले अपन उस वाले पार्ट को डेवलप करें जिसमें ज्यादा ज्यादा कटिंग आ रही है। तो मैं पहले सबसे पहले इसमें साइड व्यू को डेवलप करूंगा। सबसे पहले क्या है कि साइड व्यू में थोड़ा कटिंग आ रहा है, तो मैं सबसे पहले इसमें साइड व्यू को डेवलप करूंगा। साइड व्यू में ये एल टाइप दिख रहा है और एक पार्ट इसके साथ में लग रहा है, जो एल है उसके अंदर ये 4 है और ये भी 4, ये टोटल आपका 12 है जिसमें से 4 ये है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। देखो यहां आपको डायमेंशन दे रखा है, इस जगह आपको डायमेंशन दे रखा है, इसका मतलब इसका डायमेंशन इस वाले पार्ट का आपका कितना है, 4 है। आपको ऐसा एल दिख रहा है यहाँ पे जिसके अंदर यहां से इसकी लंबाई 4 है, ये भी आपने 4 में मार्किंग कर दिया और एक एल बनाया।
इसके पैरेलल इस बिंदु से यहाँ किस पैरेलल ले लेते हुए इस बिंदु से जो आपकी लाइन जा रही थी उसके पैरेलल लाइन आपने यहां से खींच दी, इसको इससे मिला दिया, ये वाला पार्ट आपने हटा दिया। तो जब आप साइड से देख रहे हैं तो केवल ये पार्ट पहले बॉक्स बना दिया, बॉक्स में से आपने कटिंग कर दी। जब आपने साइड से देखा तो इससे ज्यादा कोई चीज नहीं दिख रही है, जो चीज आपको दिख रहा है एल और ये। अब इसमें आपके साइडों में यहां भी कोई लाइन आ रही है, यहां इसके पैरेलल इस बिंदु से यहां किस पैरेलल लेते हुए इस बिंदु से जो आपकी लाइन जा रही थी उसके पैरेलल लाइन आपने यहां से खींच दी, इसको इससे मिला दिया, ये वाला पार्ट आपने हटा दिया। तो जब आप साइड से देख रहे हैं तो केवल ये पार्ट पहले बॉक्स बना दिया, बॉक्स में से आपने कटिंग कर दी। जब आपने साइड से देखा तो इससे ज्यादा कोई चीज नहीं दिख रही है, जो चीज आपको दिख रहा है एल और ये। अब इसमें आपके साइडों में यहां भी कोई लाइन आ रही है, यहां भी कोई लाइन आ रही है, यहां इसका मतलब है यहां भी कोई कोई कटिंग है। अब मैं चलता हूं इसके अंदर फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू में क्या है कि ये सामने से ये चीज दिख रही है और बीचों बीच में भी कोई चीज आपको आठ जा रहा है, जिसकी मोटाई कितनी है चार, इधर आठ छोड़ते हुए चार बीच में। जब अपने मार्किंग कर लिया, क्या किया इधर से देखा तो ये आपको पट्टी दिख रही है और ये जो है पार्ट आपका ये चार एमएम का इधर से आठ छोड़ते हुए, ये अपने आठ छोड़ा और ये चार एमएम ले लिया, तो जो पैरेलल इसके आ रही तो अपने इसके पैरेलल खींच दिया, ये पैरेलल उतर आए हो गए जो आपका फ्रंट है। फ्रंट के हिसाब से आपको ये सामने दिख रहा था और ये आपको एक ऊपर जाते हुए ये पार्ट दिख रहा, तो ये अपने डाल दिया। अब टॉप को अपन देखते हैं, तो टॉप में एक तो ये पार्ट आ रहा है, ये आ रहा है, तो टॉप में ये पार्ट ये डेवलप हो जाएगा ऐसे ये, उसके अलावा ये जो टेपर उतर रहा है वो चीज ही आ जाएगी। तो मैं बाकी चीज को हटाता हूँ, देखो ये वाला पार्ट मैं यहां से हटाता हूँ, ये रिमूव करता हूँ, ये भी मैं यहां से हटाता हूँ, और इसको जो आपको सामने से दिख रहा है इसको मैं नीचे लेता हूँ सीधा, टॉप में मैंने क्या देखा था कि एक तो ये पार्ट दिख रहा था, तो ये पार्ट हो गया और ये ढलवा दल जो आ रहा है ये हो गया, और बाकी ये पार्ट ये हो गया और ये वाला पार्ट ये हो गया। तो इसमें अपन ने देखो सबसे पहले क्या किया था, जिसमें कटिंग ज्यादा थी, कटिंग किसमें थी आपके साइड व्यू में थी, सबसे पहले अपन ने साइड व्यू को ड्रॉ किया, साइड व्यू के हिसाब से इसमें कटिंग थी। साइड व्यू के बाद में अपन ने क्या किया, फ्रंट को इसमें डेवलप किया, फ्रंट के लिए अपन ने केवल ये पार्ट था, इस पार्ट को अपन डेवलप किया, फिर टॉप को डेवलप किया, प्लान के अंदर आपको ये दिख रहा था, यानी कि ये एक तो ये पार्ट दिख रहा था ठीक है जैसा, और दूसरा फिर ये ढलवा तल आ रहा था, तो ये ढलवा तल वाला पार्ट ये हो गया। इस प्रकार अब अपन इसको देखें कि अपना जो चीज है ये जो अपने दिया है वो बन गया नहीं बन गया। तो मैं देखता हूं कि फ्रंट फ्रंट में देखो आपको ये पार्ट दिख रहा है और ये पार्ट जाता हुआ ऊपर तक दिख रहा है, ये तल दिख रहा है एक, मैं मार्किंग कर देता हूं, देखो कि इसमें आपको फ्रंट में एक दो तीन और चार, एक दो तीन चार, चार पार्ट नजर आ रहे हैं। टॉप में देखोगे तो मैं ये ए जिसके अंदर ए लिख रहा हूं ये ए पार्ट ये हो गया, जिसमें मैं बी लिख रहा हूं ये बी पार्ट ये हो गया, और ये सी लिख रहा हूं ये सी पार्ट ये हो गया। साइड में से देखता हूं तो इसमें ये पार्ट आपका जिसको मैं टिक कर रहा हूं ये हो गया, इसको पक्का कर देंगे और इसमें डाइमेंशन दे देंगे। ये आपको सेट स्क्वायर की सहायता से करना है, बिना सेट स्क्वायर लाइन में पैरेलल नहीं आएगी, आपका ड्राइंग गलत हो जाएगा। जो आपका रेफरेंस लाइन था उसको भी आपने पक्का करना है, और इसके बाद आपको इसमें डायमेंशन देना है।
1:3 के रेशियो में बनाते हैं, 1 mm चौड़ाई और 3 mm लंबाई, 1 mm ये है तो लंबाई 3 mm। जो आपको दिया गया सवाल जो बनाना था वो आप लिख दें। इस प्रकार ये आपका आइसोमेट्रिक आपने डेवलप किया है, किसको देख करके? ऑर्थोग्राफिक को देख करके। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।